चोर काहिल गधा। पुराने जमाने की बात है, एक ताजिर था जो शहर से दूर एक गांव में रहता था। वो तिजारत के लिए रोजाना शहर जाता और मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त किया करता। तिजारत करने के लिए उसके पास एक गधा था। वो गधे पर सामान लादकर रोजाना शहर जाया करता। ताजिर अपने गधे की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करता, उसकी खुराक का बहुत ख्याल रखता, उसे वक्त पर चारा डालता और पानी पिलाता, क्योंकि ताजिर को पता था कि उसकी तिजारत के लिए इस गधे की बहुत ज़रूरत है। गधा बहुत सेहतमंद था। ताजिर बहुत सारा सामान एक साथ गधे पर लाद कर फरोख्त के लिए शहर ले जाता, लेकिन उसका गधा बहुत काम चोर और आलसी था। उसको भागना दौड़ना खाना पीना बहुत पसंद था। ओ, आज फिर शहर जाना पड़ेगा। मुझे हमेशा छुट्टियां क्यों नहीं हो जाती? मुझे छुट्टियां बहुत पसंद हैं। मेरे मालिक को तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है, पर मुझे फारिग रहना बहुत पसंद है। मेहनत करना तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ताजिर अपने गधे पर सारा सामान लाद कर शहर ले जाता और ताजिर को शहर जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। शहर जाकर वो सारा सामान बेच देता। ताजिर को हर रोज बाजार की मांग के मुताबिक अशिया की तिजारत करनी पड़ती थी। कभी कपास तो कभी नमक, कभी सब्जियां तो कभी फल। ताजिर को पता लगा कि बाजार में नमक की मांग बहुत बढ़ गई है। ठीक है, मैं बहुत जल्द ही नमक लेकर आ जाऊंगा। उसने अपने गधे पर चार बोरियां नमक की लादी, पर उसको मालूम हो गया कि चार बोरियों का वजन काफी ज्यादा है। ओहो, मेरा गधा इतना वजन नहीं उठा सकता, इसका वजन थोड़ा कम करना पड़ेगा, यही ठीक रहेगा। उसने गधे की पीठ से एक बोरी उतार दी, फिर भी गधा आगे जाने के लिए तैयार नहीं था। ताजिर को अपने गधे का तो बहुत ख्याल था, पर उसको अपने गधे का पता था कि वो बहुत काम चोर और आलसी है। उसने एक छड़ी गधे की पीठ पर मारी और उसे बाजार ले जाने की कोशिश करने लगा। चलो, अब मुझे पता है तुम बहुत आलसी हो, तुम्हें शहर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में इस वक्त नमक की बहुत मांग है। ताजिर ने सारा नमक फरोख्त कर दिया। ओहो, सच में बाजार में नमक की बहुत मांग है। ताजिर ने फिर रोज की तरह शहर में नमक फरोख्त करना शुरू कर दिया। गधे पर कभी तीन तो कभी चार बोरियां लाद कर बाजार जाना पड़ता था, जिसकी वजह से गधा नाखुश था। पर वापसी पर गधा बिल्कुल खाली आता और बहुत खुश होता। रोज की तरह ताजिर ने फिर से चार बोरी गधे की पीठ पर लादी और शहर की तरफ निकल पड़ा। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसे पानी ज्यादा नजर आया। हमें बहुत ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा, ताकि हम पानी में कहीं गिर ना जाएं। जैसे ही उन्होंने आधी नदी पार की, अचानक गधे का पांव एक बड़े पत्थर से लगा और गधा फिसल गया और पानी में बैठ गया। ओहो, तुमने ये क्या किया? बोरियां तो अभी भी मेरी पीठ पर हैं, लेकिन मुझे इतना वजन महसूस नहीं हो रहा। ये एक जादुई नदी है। गधा इस बात से हैरान था कि नदी में फिसलने की वजह से उन बोरियों का सारा नमक नदी में घुल गया था और बोरियों में से नमक खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से गधे को वजन महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि बोरियों में नमक बचा ही नहीं था, सब खत्म हो चुका था। ओहो, मेरी सारी मेहनत जाया हो गई, अब मैं शहर जाकर क्या करूँगा? सारा नमक तो बह गया है। शुक्र है खुदा का, मेरा गधा तो सही सलामत है। गधे को कुछ नहीं हुआ, अब शहर जाने का कोई फायदा नहीं, मुझे अब घर जाना चाहिए। वाह, कोई वजन भी नहीं और काम भी नहीं, ये तो कमाल की नदी है। फिर अगले दिन ताजिर ने चार बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी और शहर की तरफ निकल पड़ा। आहा, कल का दिन कितना अच्छा था, कोई काम भी नहीं करना पड़ा था। आज मुझे फिर काम करना पड़ रहा है। ठीक है, आज फिर से मैं आलसीपन दिखाता हूँ और अपना वजन कम करता हूँ। फिर तो मैं नदी से ही घर वापस जा सकता हूँ, कल की तरह। वो एक जादुई नदी है जो मेरा वजन कम कर देती है, वो कल की तरह आज भी मेरी मदद करेगी।
ताजर उस दिन गधे की चालाकी से बिल्कुल बेखबर था। रोज की तरह ताजर अपने गधे के साथ इस नदी के पास पहुंचा तो गधा ताजर से पहले ही इस नदी की तरफ जाने लगा। ताजर ने उसे रोका, रुको रुको। गधा फिर से नदी में फिसल गया जहां वो पहली बार फिसला था। ओहो, तुमने क्या किया, काहे गधे, जल्दी से बाहर आओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, बोरियों का सारा नमक नदी में घुल गया। गधे को अब कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। वाह, ये हुई ना बात, कोई वजन भी नहीं और काम भी नहीं। ये दोबारा कैसे, जरा सोचता हूँ ये जानबूझकर मेरे साथ कहीं चालाकी तो नहीं कर रहा। हो काहिल गधे, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुमने मेरे साथ क्या किया। इसे घर वापस ले जाता हूँ, मुझे पता है अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। गधे ने सोचा, मैंने काम चोरी का ये अच्छा तरीका ढूंढा है, पर ताजिर का तो आज कुछ और ही जहन था। अगले रोज ताजिर ने गधे की पीठ पर 6 बोरियां रुई की लाद दी, लेकिन गधे को थोड़ा सा भी वजन महसूस ना हुआ। ओहो, इतनी ज्यादा बोरियां, कोई मसला ही नहीं, शहर तक जाना किसने है, इस जादुई नदी तक तो जाना है बस। और वो शहर की तरफ जाने लगे। जब वो नदी के पास पहुंचे तो अचानक से गधा नदी पार करने लगा और उसी जगह पर फिसला जहां वो पहले फिसलता था। ताजिर बाहर खड़ा होकर ये सब मंजर देख रहा था। ओहो, ये मेरी पीठ पर इतना वजन कहां से आ गया। ताजिर बहुत समझदार आदमी था, उसको पता चल गया कि उसका गधा जानबूझकर ये सब उसके साथ कर रहा है। इसलिए ताजिर ने इस दफा बोरियों में नमक के बजाय रुई भर दी थी। जैसे ही गधा नदी में फिसला तो रुई ने पानी जज्ब कर लिया और गधे की पीठ पर वजन ज्यादा हो गया। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे, तुम्हारी इस हरकत से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है क्या, अब तुम इसी तरह बोरियों के साथ घर जाओगे। गधे को उन बोरियों के साथ ही घर आना पड़ा। इस तरह गधे ने अपना सबक सीख लिया और उस दिन के बाद गधे ने कभी नदी में फिसलने की हिम्मत ना की। इसलिए नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।